समाज सेवा और दानवीरता के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले राजू तिवारी कन्नौद हाल मुकाम इंदौर द्वारा उनके 56वें जन्मदिवस पर उनके बड़े भाई लखन तिवारी, मनोज तिवारी तथा भतीजे रोहित तिवारी द्वारा सिविल अस्पताल कन्नौद को 4 अत्याधुनिक पलंग तथा मरीजों को कम्बल और फल वितरित किए गए। इसी तरह सिविल अस्पताल खातेगांव में 2, नेमावर में 2, कुस्मानिया में 2, पानी गांव में 2, डोकाकुई में 2, हरण गांव में 2 तथा अजनास उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 अत्याधुनिक पलंग भेंट किए गए। आपको बता दें कि राजेश उर्फ राजू तिवारी द्वारा कोरोना काल में भी कन्नौद खातेगांव तथा नेमावर के शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन मशीनें भेंट की गई थी। कोरोना काल के समय इंदौर अस्पताल में भर्ती कोरोना से पीड़ित मरीजों को भी खूब मदद की थी। कन्नौद से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। सर यार, ये पलंग वितरण किनकी तरफ से हुआ है? एक्चुअली एक समाज सेवी राजेश जी तिवारी हैं, उनके द्वारा उनके जन्मदिन पे ये 4 पलंग कन्नौद अस्पताल को उन्होंने दिए हैं। इसके और साथ ही साथ कंबल और गद्दे भी दिए हैं, इसके लिए उनका बहुत साधुवाद है हमारी तरफ से। और वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और समाज के हित में काम करते रहें, उनके जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई। आज ये कन्नौद हॉस्पिटल में पलंग वितरण हुए हैं, इस संबंध में आपको क्या कहना है? हमारे मित्र भाई राजेश तिवारी, जो इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी हैं, हर जरूरतमंद की मदद करना तिवारी परिवार का उद्देश्य सदैव से रहा है और कोरोना काल से लेकर के आज तक और उसके पहले भी सतत रूप से तिवारी परिवार लोगों की सेवा और जरूरतमंदों की समाज सेवा करता रहा है। आज राजेश जी तिवारी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में तिवारी परिवार ने अपने पूर्वज आदरणीय बाबूलाल। भारतीय किसान संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें आज 7वें दिन किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाई, क्या मामला है? भारतीय किसान संघ द्वारा लगातार 7 दिन से किसानों की प्रमुख मांग पानी को लेकर धरना आंदोलन चल रहा है। इसमें 7 दिन हो गए हैं, हमने 3-4 रोज बाद एक हवन यज्ञ भी रखा था, सद्बुद्धि यज्ञ, उसमें भी सब किसानों का भरपूर सहयोग मिला। दूसरे दिन हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा। आज हमको 7 दिन हो गए हैं, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में अभी तक हमारी खबर लेने नहीं आया, इसलिए हमने मध्य प्रदेश शासन को हमारी बात भैंस समझ के भैंस के सामने हमने बीन बजाई है और हम भैंस के आगे हमने मांग पत्र भी दिया है। आगे इस प्रकार क्या योजना आगे की ओर? आगे की हम योजना अगर सरकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।